हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम टू माय चैनल पेट पूजा विद प्रगति सिंह। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नान खटाई। ये बहुत ही इजी तरीके से घर पे बनाई जा सकती है, पर उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ नान खटाई बनाने के लिए मैंने 1/4 कप शुगर पाउडर ले रही हूँ और 1/4 कप में मेल्ट घी ले रही हूँ, लाइक पिघला हुआ घी ले रही हूँ मैं। और इसे हमें 4 से 5 मिनट तक चलाना है, जब तक ये एकदम लाइट फॉर्म में ना हो जाए, लाइक क्रीमी फॉर्म में ना हो जाए। तो कंटिन्यूसली 4 से 5 मिनट आप इसको चलाइए। आप देख सकते हैं क्रीमी फॉर्म में हो गया है। अब मैं इसमें 1 स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और 1/2 स्पून के करीब मैं यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करूँगी। बस अगेन हमें इसे अच्छे से चलाना है ताकि बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 2 से 4 मिनट आप इसे अच्छे से चलाइएगा, एकदम फास्ट फास्ट चलाना है ताकि बेकिंग पाउडर और इलायची पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे। 2 स्पून मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है और सूजी हमें केवल 1 स्पून ही ऐड करना है। सूजी केवल आप इसमें 1 स्पून ऐड कीजिएगा, मैंने 1 स्पून ऐड की है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो लगा लेंगे। तो बस अब मैं हाथों से डो तैयार कर लूँगी। इसका डो जो पूड़ी वाला डो होता है वो लगाना है, क्योंकि रोटी का डो काफ़ी सॉफ्ट होता है, हमें पूड़ी का थोड़ा सा जो हार्ड सा डो होता है वो लगाना है। तो इसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, जितना जिसमें आपके पूड़ी वाले डो का टेक्सचर आ सके उतनी क्वांटिटी में आप इसमें दूध ऐड कीजिएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके दूध आप इसमें ऐड कीजिएगा, लाइक 1/4 के करीब इसमें दूध लग जाता है। यहाँ पे बस ऑलमोस्ट मेरा डो तैयार है। ये डो को करते हैं हम साइड में। हम इसको नान खटाई जिसमें हमारी बैक होगी उसके लिए हमने एक पैन लिया है, लाइक कुकर की तरह ये मेरा एक पैन है। इसे मैं गैस पे फुल फ्लेम पे रख दूंगी और हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये इसका कलर इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ। और यहाँ कोई भी आप इस तरह स्टैंड रख के इसे कवर करके इसे प्री हीट के लिए छोड़ दीजिए। तो बस अब एक किसी भी प्लेट पे आप घी अप्लाई कर दीजिए बाय ब्रश, या हाथ से भी कर सकते हैं आप। हम बनाएंगे नान खटाई। तो बस आपको थोड़ा सा आटे का एक पार्ट लेना है हाथ में, जिस तरह मैं राउंड राउंड घुमा रही हूँ उस तरह से अच्छे से घुमा के एक शेप देते हुए इस तरह करना है। और हल्का सा प्रेस नीचे की तरफ करना है और कॉर्नर को बराबर करना है। आप देख सकते हैं सेम यही प्रोसेस की तरह करना है हमें। इसी तरह बाकी की नान खटाई भी हम बनाएंगे। वही मैंने छोटा सा पार्ट लिया, उसको अच्छे से राउंड राउंड घुमाया, शेप कवर किया और रख दिया। और हम नाइफ के हेल्प से इसमें क्रॉस में कट लगाएंगे। सारी नान खटाई पे हमें इस तरह क्रॉस में कट लगाना है। और अब हम सेंटर में इसमें आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, लाइक बादाम के स्लाइसेस करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पिस्ता के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सेंटर में थोड़ा थोड़ा इसमें पिस्ता ऐड कर देंगे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए। बस इस जो हमारा
जो हमने प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रखी थी, लाइक कुकर रखा था, उसमें हम इसे शिफ्ट कर देंगे और इसे बैक होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब मीडियम हाई फ्लेम पे इस पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए हैं, तो टोटल 10-15 मिनट में बन जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी नान कढ़ाई तैयार है। तो 15 मिनट आप इसे लाइक बैक कर लीजिएगा मीडियम हाई फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। तो बहुत इजी रेसिपी है, घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि कैसी बनी। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।